नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल लोहिया। आज हम बात करेंगे UPPCS 2019 मुख्य परीक्षा में लोक प्रशासन विषय के टेस्ट सीरीज के ऊपर। दोस्तों, आप में से जो लोग भी UPPCS की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, कैलेंडर आपने देखा होगा, कल ही कैलेंडर जारी हुआ है नया, 25 जुलाई से संभावित है UPPCS की मुख्य परीक्षा। हालांकि मेरा मानना है कि 25 जुलाई को शायद ही परीक्षा हो पाए, डेट और आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल देश में स्थिति है कोरोना की, जितनी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, 10 से 15 हज़ार मामले पर डे, और ये आनुपातिक दृष्टि से बढ़ ही रहा है, तो मेरा अनुमान है कि 25 जुलाई से संभवतः नहीं हो पाएगा मीन्स। लेकिन फिलहाल अभी आपको 25 जुलाई की डेट को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करनी है। 15 जुलाई के बाद तो ये समीक्षा की जानी है कि स्कूल कॉलेज खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कब खुलेंगे। वैसी स्थिति में 25 जुलाई से मेंस हो पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन देखते हैं। अभी हम 25 जुलाई की भी डेट माने तो हमारे पास आज से 1.5 महीना पूरे 45 डेज 45 दिन का समय है। इस 45 दिन का भी अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल कर लें, पीछे से अगर तैयारी चल रही है और इस 45 दिन का आप सही स्ट्रेटजी के तहत इस्तेमाल कर लें, तो बेहतर स्थिति हो सकती है मुख्य परीक्षा में। दोस्तों, जैसा आपको भी जानकारी है कि ये जो अब समय है 45 दिन का, नए सिरे से तैयारी का समय नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आपको जानकारियां सब हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा आप तैयार कर चुके हैं, चाहे वो आपका GS हो चाहे ऑप्शनल हो। अब बस आपको वो जो तैयारी आपकी हो चुकी है उसे अंतिम रूप देना है, और सबसे बड़ी बात की जो समझ है, जो जानकारी है, उसे एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न की मांग के अनुरूप सही ढंग से प्रस्तुत कैसे किया जाए, ये सीखना है। और वास्तव में ये 45 दिन का समय बस इसी काम के लिए है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रश्न अभ्यास करें, अपनी लेखन शैली का, राइटिंग स्किल का विकास करें, और अपनी समझ को, अपने नोट्स को कैसे एग्ज़ाम हॉल में बिना किसी भय और डर के प्रश्न की डिमांड के अनुरूप प्रस्तुत करना है, ये सीख जाएं। फ्रेंड्स, 3 घंटे में लगभग 3500 के आसपास शब्द लिखने होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, 8 प्रश्न आप देखते हैं फर्स्ट पेपर में होते हैं ऑप्शनल में, सबके 3-3 पार्ट, मतलब कुल 24 प्रश्न, उसी तरह से 8 प्रश्न सेकेंड पेपर में, 5 प्रश्न हल करने होते हैं, मतलब कुल 15 प्रश्न, 200 शब्द, 150 शब्द, 250 शब्द, टोटल 3000 से 3500 शब्द आपको लिखने होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, बहुत तेज़ी से आपको क्वेश्चन चेंज करना होता है, मतलब बहुत तेज़ी से आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होता है, हर नए क्वेश्चन में नए तरीके से सोचना होता है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना होता है और फिर उसे फुलफिल कर पाते हैं। अगर 6 से 7 मिनट का समय है आपके पास, जिसमें आपको 200 शब्द का आंसर लिखना है, तो उतनी ही देर में आंसर लिखना जरूरी है। अदरवाइज अगर आपने 1 मिनट 2 मिनट फालतू खर्च कर दिया, तो इसका मतलब है कि लास्ट में कुछ प्रश्न आपको छोड़ने पड़ते हैं। तो अगर 6 से 7 मिनट का समय है तो उतनी ही देर में लिखें, जो पूछा गया है वही लिखें, और जितने शब्दों में पूछा गया है उतने ही शब्दों में लिखा जाए। ये छोटी मोटी चुनौती नहीं होती है, बल्कि इस चुनौती से निपटने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना पड़ता है। जो पूछा गया वही लिखें, जितने शब्दों में पूछा गया उतने शब्दों में लिखें, और जितना समय है हमारे पास उतने ही समय में अपनी बात को कंप्लीट करना जरूरी है। इसके लिए हमें पहले से अपने घर पर कई सारे प्रश्न लिखने का अभ्यास करना होता है, अपनी लेखन शैली या राइटिंग स्किल का विकास जरूरी होता है। फ्रेंड्स, किसी भी विषय पे आप वास्तव में
मजबूत पकड़ चाहते हैं तो तीन काम करने होते हैं। एक अच्छा नोट्स होना चाहिए आपके पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस, 100% सिलेबस की एक समझ होनी चाहिए आपके पास, और तब फिर उस समझ को, उस नोट्स को प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग कैसे प्रस्तुत करना है, तो आपके पास लेखन शैली भी होनी चाहिए, और लेखन शैली के विकास के लिए प्रश्न अभ्यास करना जरूरी है। अभी जो आपके पास ये 45 डेज का समय है प्रश्न अभ्यास के लिए है, और इसीलिए हम लोक प्रशासन विषय ऑप्शनल आप में से जिन लोगों का है उनके लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। वैसे तो वीकली टेस्ट होते हैं लेकिन अभी 45 दिन का समय है तो आप वीक में 2-3 टेस्ट भी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। कुल 12 टेस्ट हम करते हैं, इसमें 10 टेस्ट टॉपिक वाइज हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं प्रस्तावना संगठन के सिद्धांत उनका सेपरेट टेस्ट, कुछ जो छोटी यूनिट हैं 2-3 यूनिट को मिला के एक टेस्ट, कुल 10 टेस्ट टॉपिक वाइज इस तरह से यूनिट वाइज हैं, और लास्ट के 2 टेस्ट फिर ओवरऑल सिलेबस के। कुल 12 टेस्ट हम करेंगे इसमें, जो आप आंसर लिखेंगे अगर आप दिल्ली में हैं आप खुद ऑफिस में मिलके आप सामने खड़े हों आपकी कॉपी हम चेक करेंगे, आपकी कमियां बताएंगे, कैसे सुधारना है बताएंगे। अगर आप ऑनलाइन भी ऑप्शन है ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज करते हैं, बाय फोन आप जुड़ेंगे उसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि आप कैसा आंसर लिख रहे हैं, किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, कैसे आपको सुधारना है। तरीके दोनों हैं आपके पास, ऑफलाइन भी आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए मोवीशाला ऐप है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। दिल्ली में हैं तो ऑफलाइन भी आप इस टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं। 12 टेस्ट में अगर आप 150-200 प्रश्नों के आंसर लिख लेंगे, अपनी कमियां जान लेंगे, उनको ठीक कर लेंगे, तो हमारा अनुमान है कि फिर एग्ज़ाम हॉल में आप किसी दूसरे स्टूडेंट की तुलना में बहुत बेटर पोजीशन में होंगे। कई सारे फायदे होंगे टेस्ट सीरीज के, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही कि आपको अपनी कमियां पता होंगी, कैसे सही आंसर लिखना है आप जानेंगे। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज में जो हम प्रश्न आपको करवाएंगे कई सारे प्रश्न उसमें से रिपीट होंगे UPPCS मेंस में, वो डायरेक्ट आपको फायदा मिलेगा। पहले से आपने उन प्रश्नों का अभ्यास किया रहेगा तो आप वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके आंसर लिख पाएंगे। टेस्ट सीरीज के प्रश्न बिल्कुल वही स्टैंडर्ड हम रखते हैं जो पूछे गए प्रश्न हैं। इनफैक्ट कुछ प्रश्न टेस्ट सीरीज में हम ऐसे भी शामिल करते हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि UPPCS में बहुत सारे प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं, और प्लस कई सारे प्रश्न हम नए तैयार करते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज में देते हैं जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जुड़ें हमारे साथ टेस्ट सीरीज में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में लोक प्रशासन विषय की टेस्ट सीरीज, बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप अपनी तैयारी को वास्तव में जो अंतिम रूप देने का समय है कर पाएंगे, और अगर 25 जुलाई से एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी बेटर पोजीशन में होंगे, और अगर एग्ज़ाम की डेट बढ़ती है, मेरा अनुमान है कि बढ़ेगी, तो फिर और हमारे पास पर्याप्त समय होगा, जो भी कमियाँ हैं गलतियाँ आप कर रहे हैं उनको हम बेहतर तरीके से दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो बताएं। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट लिखें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो, अपने सुझाव दें ताकि आगे भी हम आपको इसी तरह से उपयोगी वीडियो दे सकें, जानकारियां दे सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।